लग रहा है गुजरात चुनाव में अकरांता और आतंकवादियों की एंट्री कराने का सारा ठेका बीजेपी ने ले लिया है। पहले डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए हाफिज से भी हाथ मिला सकती है। अब बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब और खिलजी से कर रहे हैं। क्या ये चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश है? ईवीएम पर सियासी शोर का सच, क्या यूपी चुनाव में ईवीएम हुआ है? यूपी के निकाय चुनाव में ईवीएम से टेम्परिंग का चिन्ह फिर से बाहर निकल आया। मेरठ से लेकर कानपुर तक आरोपों की झड़ी लग गई। बटन दबाव कोई वोट बीजेपी को ही जा रहा है। इस चक्कर में 77 मशीनों को चुनाव के बीच में ही बदलना पड़ा। नहीं, हाँ, क्या है? एक मशीन बटन दबा रहे हैं, दो जगह वोट जा रहे हैं। किसको दो जगह वोट? भाजपा में जा रहा, भाजपा इधर इधर देखिए, इधर भाजपा में अपने आप वोट जा रहा है। भाजपा में वोट जा रहा है, वोट किसी दूसरी पार्टी को दिया जा रहा, निर्दलीय प्रत्याशी को दिया जा रहा। भाजपा में वोट मैंने अपनी आंखों से देखा, पीठासीन अधिकारी ने देखा। पीठासीन अधिकारी कौन है यहाँ पे? सुबह जो है मैं अपनी वोट डालने आया और जो है मैंने बटन पे उंगली दबाई, जो है वोट जो है हो जा रही है, मशीनों में गड़बड़ आ रही है बहुत ज्यादा। इस बीच वोटिंग मशीन के बीजेपी कनेक्शन पर फौरन ही उसकी सहयोगी पार्टी हमलावर हो गई। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवसेना ने लिखा, आम तौर पर होता तो यह है कि मतदान के बाद क्षेत्र में चाय पर चर्चाएं ये होती थी कि किस सीट पर किसका कब्जा होगा, कौन मेयर बनेगा। लेकिन कल यूपी में चर्चाओं का विषय कुछ और ही था। लोगों को मतदाताओं के रुख से ज्यादा ईवीएम के रुख का डर सता रहा था। ईवीएम इन दिनों सिर्फ अपने मिजाज से नतीजे उगलती है, मतदाताओं का तो कोई रोल ही नहीं रह गया। इसलिए मेयर तो वही बनेगा जिसे ईवीएम एओ मस्तू कहेगी। 1 दिसंबर को नतीजों का असर गुजरात चुनाव पर पड़ेगा, इसलिए डर्टी पॉलिटिक्स तो करनी पड़ेगी। शिवसेना ने यह भी लिखा कि यूपी में जनता का ध्यान बांटने और ईवीएम से छेड़छाड़ के अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। जहां ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं होती, वहां कांग्रेस के हाथों तो बीजेपी पिट जाती है। इधर लालू यादव ने ट्वीट करके बीजेपी को घेरा, तो समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने का आरोप लगा दिया। कोई बटन दबा कमल निकलता, पूरा टीवी में चल रहा, आपने देखा हो बटन कोई दबाइए और वोट कमल में जा रहा। कहां था, यहाँ गड़बड़ हुआ पिछले इलेक्शन में जो हम लोगों की जो हम लोग सरकार पे दखल हुए, तो वही मशीनें जनता करी वहां जा रही है। ये तो सरकार जो है इसकी पूंजी जो है बेईमानी और गड़बड़ी है। वो अधिकारियों ने क्लियरिफाई कर दिया है, अफवाह थी और आज के युग में अफवाहें बहुत जल्दी उठी भी, लेकिन चूंकि आज टेक्नोलॉजी का ऐसा युग है कि तुरंत 45 मिनट में अफवाहें खत्म हो गई और वहां फिर से मतदान ठीक से हुआ। ईवीएम टेम्परिंग और हैकिंग पर चल रही बहस तब और गंभीर हो गई जब इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो में दिखाया गया कि कोई भी बटन दबाने पर वोट बीजेपी को ही जाता है। आप नेता संजय सिंह ने इसे शेयर भी किया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सवाल खड़ा हो रहा था कि बूथ पर कैमरा ले जाकर इसे बनाने की अनुमति कैसे मिली। तभी ईवीएम हैकिंग या इससे छेड़खानी के दावे को चुनाव आयोग ने फिर से खारिज कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर यूपी विधानसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़खानी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक सौरव भारद्वाज ने मॉडल की मदद से यहां तक दावा कर दिया कि ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है, जिसके बाद हैक करने वाले दावेदार दलों की तादाद बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने हैकिंग के लिए राजनीतिक दलों को आमंत्रण भेजा, सारे दलों को जैसे सांप सूंघ गया। हार का ठीकरा खुद पर फोड़ने से अच्छा है ईवीएम पर फोड़ दो। क्या राजनीतिक दलों ने बचने का यही नायाब नुस्खा ढूंढना है? समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।